हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं थोड़ी सी उदास थी तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं। मेरा ना एक बार मन होता है कि मैं ये घर एक बेच दूं यहाँ से। मेरा सच में दिल कर रहा है कि मैं एक सेल कर दूं एक फ्लैट। पर पता है यार, कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं इस टाइम। थोड़ी सी उदास हूँ अभी इस टाइम में। बात पता है क्या है कि मैं ना शुरू से ना चाहती थी कि मैं प्लॉट लूँ। मैं यहाँ इस सोसाइटी में दो दो फ्लैट कभी भी नहीं लेना चाहती थी। मैं सिर्फ एक लेना चाहती थी, वो भी सिर्फ इसलिए, एक ठीक था। अगर आप एक फ्लैट यहाँ पे मैंने ले लिया था ना, तो वो बहुत था यहाँ के लिए। दूसरा फ्लैट मुझे यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था, ये मुझे भी पता है। पर उस टाइम हालात ऐसे थे, मजबूरी ऐसी थी कि मुझे लेना पड़ा। चीजें खराब हो रही थी थोड़ी सी, और गलती मैंने करी। अब मुझे समझ में आता है, कई बार मैं सोचती हूँ यार मैं किराए पे ले लेती यहाँ पे, इससे बढ़िया। मैंने अपना मतलब पैसे यहाँ पर इतने सारे, वो भी मेरे 13,20,000 रुपए, बाद में ऊपर से बल्कि रिनोवेशन का काम में भी इतने लाखों रुपए लग गए। कम से कम मेरा 15 लाख रुपया उस फ्लैट में लग गया। 15 लाख पूरा, साथ वाले फ्लैट में 15 लाख रुपए में तो कितना अच्छा मुझे प्लॉट मिल सकता था। उस पर मैं अपनी मर्जी से कितना अच्छा घर बना सकती थी। सोचने वाली बात है ना। लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे दो दो फ्लैट ले लिए, दो दो ले लिए, और वो भी इकट्ठा नहीं लिया, साथ में तो जोड़ा बन जाता, दो तीन घर के गैप में ले लिया, वो भी उधर साइड में है। तो बात पता क्या है, मैं उस टाइम सिचुएशन के हालात में फंसी हुई थी। प्रॉब्लम पता क्या थी, अगर मेरी मम्मी उस टाइम ना मान जाते ना भाइयों के साथ रहने के लिए, तो मैं कभी भी जिंदगी में यहाँ दूसरा घर या फ्लैट कभी भी नहीं लेती। और बल्कि उनके लिए अच्छा था। देखो यहाँ पे उस टाइम क्या था कि 3 BHK फ्लैट ले रखा था हम, मतलब यहाँ पे नजदीक में ही। जब शुरू में याद होगा आपको, 3 कमरे थे उसमें, बड़े बड़े अच्छे खासे, रसोई थी, पूरा अच्छा प्रॉपर पोर्शन था। तो उस टाइम पता क्या था कि आपको पता है, अब मैंने शिफ्ट पता है क्यों किया, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं बार बार कि आप इस घर में क्यों रह रहे हो। तो मेरा एक्चुअली क्या था ना कि अभी से कुछ महीने पहले, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का भी मिड लगा लो, 4-5 महीने में बहुत ज्यादा टेंशन्स में आ गई थी। बहुत ज्यादा चीजें खराब हो रही थी, आप लोगों को भी पता है। फाइनली मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम, बहुत ज्यादा। तो इन द एंड मैंने फैसला लिया कि मैं अलग ही रहूंगी, सेपरेट। और जब मैंने ये घर भी छोड़ा था, तब भी वही हालत थी मेरी, वही चीजें होती थी। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या थी कि मेरे को ना उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला। एक सपोर्ट मिलता ना तो मैं यहाँ पे फिर ना लेती प्लॉट वगैरह, मतलब घर फ्लैट दूसरा ना लेती। प्रॉब्लम पता है क्या थी कि देखो मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को गलत नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मेरी मम्मी गलत है या कुछ है। उनको प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। और ये बात ना जैसे फैमिली को पता भी है, लेकिन फैमिली को ना उस टाइम जब ऐसी सिचुएशन में ना मुझे अकेले विहान के साथ यहाँ पे रहने देना चाहिए था, समझ रहे हो वो चीज। क्योंकि उस टाइम एक तो मैं पहले से ही परेशान थी, मेरे हस्बैंड की डेथ एक बहुत ही बड़ा ट्रोमा होता है, और ऐसे टाइम में आप जिनके साथ रह रहे हो वो उस ट्रोमे से आपको बाहर ना निकाल के आपको और उस ट्रोमे के अंदर भेज रहे हो, वो चीजें मेरे साथ हो रही थी। तो वहां पे आके क्या हुआ कि मेरी हालत, मैं अपना जो अपना 3-4 साल का जो स्ट्रगल समझती हूँ ना, जो मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा जो मतलब मेरा जो ट्रूमा था, उसमें जो मतलब मेरा जो पेन था, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए, मैं टोटली ये तो नहीं कहती कि हाँ मेरी मम्मी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बट अगर मैं उनके साथ ना रह के अकेली रह रही होती तो मैं इन चीजों से बहुत जल्दी बाहर आ जाती। क्योंकि बहुत जल्दी मतलब वो चीजें मेरे लिए नुकसान में गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान में। मैं एक जो ये डिप्रेशन मैंने झेला है ना, शायद मैं नहीं झेलती अगर चीजें थोड़ी अलग तरीके से होती तो उस टाइम। क्योंकि मेरे साथ चीजें बहुत गलत हो जा रही थी। मैं बहुत चीजें मेरे साथ, मैं अभी कई बार ना मतलब मैं अभी पता है ऐसा मेरा मूड क्यों हो रखा है, मैं 3-4 दिन से साथ वाले घर में जा रही हूँ, 3-4 दिन से। और मेरे को ना वो चीजें फिर से मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक कर जाती हैं, जैसे ही मैं जाती हूँ। मैं जाती नहीं हूँ वहां, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में रहती हूँ, अपनी इंजॉय करती हूँ। बट वहां पे देखो मेरी मदर मेरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे को ना पता नहीं क्यों वहां पे जाके वो सब ऐसे रिमाइंड हो जाता है, ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में वही चीजें घूमने लग जाती हैं जो मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली बात पता है क्या था कि मैंने ना, मैं मायके में से जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गई थी, मेरे पास पैसे थे, मैंने ये वाला फ्लैट ले लिया था। उस टाइम ना मैं मेरे बच्चे के साथ, विहान के साथ अकेले रहना चाहती थी, मैं थोड़ा शांति चाहती थी अपनी जिंदगी में। पर उस टाइम क्या था कि पापा जी और ने सबने मतलब मैंने बोला भी था, बट किसी ने उस टाइम मतलब हुआ क्या कि मम्मी मेरे साथ रहने लग गए उस टाइम यहाँ जब मैं आई। तो हुआ क्या कि मेरी मम्मा को है प्रॉब्लम,
उनको दिक्कत पता क्या है कि उनको सुबह उठते ही आता है एकदम गुस्सा, हाइपर हो जाती है वो बहुत ज्यादा। और गुस्सा आके ना वो जो कोई भी हो, ये नहीं कहती वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, मेरे को सुनाते हैं, अगर उनके साथ कोई और भी रह रहा है वो उनके साथ भी उनका वही रहता है, वो एकदम हाइपर एग्रेसिव हो जाती है सुबह उठते ही। वो पता नहीं क्यों है ऐसा, मुझे हमें नहीं पता, लेकिन उनका मैंने भी देखा है, मैं रही हूं तो मुझे समझ में आता है कि उनको एकदम से गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा हैवी गुस्सा, एग्रेसिव हो जाती है वो उस टाइम। और उस टाइम उनको वो क्या बोल रही होती है उनको कुछ भी वो नहीं होता, बाद में वो शांत हो जाएंगे तो ठीक है नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम जब वो बहुत हैवी गुस्से में आ जाते हैं ना तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। उस टाइम वो नहीं समझ सोचते, वो गाली भी दे देते थे मुझे, वो मुझे उल्टा सीधा भी बोल देते थे उस टाइम वो मेरे ससुराल की बातें मुझे बोल देते थे, तेरा ऐसा था वैसा था, मतलब पता नहीं लिटरली सुनाना वो चीजें। तो वो चीजें मेरे साथ होती थी, और वो चीजें मेरे से होती थी, मैं डिप्रेशन में चली जाती थी उन चीजों की वजह से, बहुत ज्यादा मैं अंदर ही अंदर एंग्जाइटी होने लग गई मेरे को, जो कि मेरे को पहले नहीं थी, वो चीजें होने लग गई थी। क्योंकि मैं यहाँ पे जब रहती थी ना, आप याद करो मैं लाइव में आके खुद को थप्पड़ तक मारे थे मैंने एक बार लाइव करी थी, क्यों, क्योंकि मैं इस हद तक परेशान हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आता था मैं ऐसी, मैं यूं यहां तक मैं ऐसी हो गई थी, यहाँ इस सिचुएशन में पहुंच गई थी मैं, इस सिचुएशन में ये हालत थी मेरी कि मैं यहां तक घुटन महसूस करती थी जब मैं यहाँ पे रहती थी। कौन? हाँ बोलो। नहीं अभी तो नहीं करवाई मेरी ऊपर की, ये इस वाले घर की, उस वाले घर की तो करवा ली। करवा ली ना? हाँ उस वाले घर की तो करवा ली है। ये कुछ भी अच्छा, इस वाले घर की भी खराब है ना, इस वाले घर की नहीं करवाई। खराब हो रखी। हाँ इस वाले घर की भी खराब हो रखी, साथ वाले घर का तो करवा ली थी। ठीक विहान, हमारे मम्मा का है, कंधे लगा रहा है। व्यान को तो पता है ना मम्मा कहाँ है बेटा। यू जाओ बेटा खेल लो बाहर, प्ले कर लो। आपको पानी चाहिए था? पानी चाहिए? नहीं आपको मोटर का पूछ रहे थे ना। हाँ पानी चाहिए। पानी चाहिए है? अभी है नहीं घर में? नहीं था इसलिए पूछ रही थी। अच्छा ले लो आप, ले लो पानी, अभी अभी आएगा पानी? नहीं शाम को आएगा। शाम को आएगा, आप ले लो वहां, बोल देना मम्मा को, बोल देना वरना मैं आ जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो एक्चुअली क्या है ना कि पानी पहले 2 टाइम आता था, अब 1 टाइम हो गया। यहाँ पे गर्मियों में कम हो जाता है ना पानी, तो सुबह नहीं आया पानी मेरा, तो यहाँ पे कई दिन से ही नहीं है पानी। तो मैं ये चीज बोल रही थी कि ना वो जो टाइम था ना मेरे लिए बहुत वोस्ट हो गया था, मेरी लाइफ का सिचुएशन का बहुत ज्यादा। मैं आज भी याद करती हूँ ना, मैं अंदर तक ऐसे हो जाती हूँ, मैं हिल जाती हूँ। वो टाइम मैंने क्या फेस किया है मुझे कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि आप ना पता क्या होता है, देखो जब आपके लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, उस टाइम एक लड़की ना सबसे ज्यादा ऐसे सोचती है कि अपनी मदर की तरफ सोचती है कि उसकी मदर उसको सहारा लगाएगी या उसके सिर पे हाथ रखेगी, प्यार करेगी, उसका दर्द समझेगी, उसकी बातें सुनेगी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ बल्कि उल्टा था। मतलब ऐसा नहीं है, देखो मेरी मम्मी की उस टाइम हेल्थ ठीक रहती थी, वो मुझे वैसे सपोर्ट कर देते थे जैसे विहान का कोई काम कर देते थे, जैसे विहान के कपड़े धो दिए या कुछ ना कुछ, जैसे आप देखते रहते थे कुछ ना कुछ लगे रहते थे काम में, तो वो ऐसा ऐसा मतलब मेरे को इस तरीके का सपोर्ट मुझे मिल रहा था। जैसे कि विहान को थोड़ी देर लेके बैठ जाते थे, मैं बाहर चली जाती थी, बाजार चली जाती थी, वैसा सपोर्ट तो नो डाउट मुझे दे रहे थे, लेकिन एक मेंटल सपोर्ट है ना वो मुझे कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं। बल्कि वो मैं टूट रही थी, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि देखो अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी भी मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरी मदर की, वो उनको मैं ये नहीं कहती कि वो जानबूझ के कर रहे थे ऐसा मेरे साथ, लेकिन उनको उनका भी उनके ऊपर काबू नहीं था, उनको प्रॉब्लम थी। मेरे को वो चीज अब मैं उनके साथ रही तो मुझे समझ में आ गई है क्योंकि वो चीजें नहीं ठीक हो सकती थी। मींस उनका क्या था कि उनका वो ओवर एग्रेसिव हो जाती थी, ठीक है। तो मेरे साथ क्या था कि मेरी हालत इतनी खराब होती थी, सुबह उठती मेरी बेड से उठने की हिम्मत नहीं होती थी, तबीयत ज्यादा बीमार रहती थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, एकदम से इतना कुछ हादसा हो गया, और मैं सुबह उठती उठ के किचन में जाती और मेरी मम्मी मेरे को ऐसे ऐसी सी बातें बोलने लग जाती थी, तू सारा सोना छोड़ आई ससुराल में, तूने हमारा इतना पैसा खराब करवा दिया, तूने हमारा ये करवा दिया, तूने हमारा इतने लाखों रुपए का नुकसान करवा दिया, तूने अपना घर नहीं बसाया। मेरे को आज भी याद है, मैं कुछ दिन पहले लाइव देख रही थी अपनी जिसमें मैं रो रही थी लाइव करके कि मेरे को ऐसे कह देते हैं कि घर नहीं बसाया, घर नहीं बसाया, मैंने कौन सा अपना घर अपने हाथों उजाड़ा है, मतलब बात बता रही। वो क्या होता था कि वो भी मेरी मदर क्या था, रात भर सोचती रहती, वो सोती नहीं, और सुबह उठ के एकदम से उनका जो गुस्सा होता था सारा, क्योंकि कोई और तो इस घर में रहता नहीं था,
मैं, मेरी मम्मी, हम दो लोग रहते थे, तो वो मेरे ऊपर सारा का सारा हो जाता था। और उनको वो प्रॉब्लम थी कुछ, ठीक है, मतलब एकदम से हाइपर होने की। अब वो चीज मेरे नेगेटिव में जा रही थी, क्योंकि ऐसे टाइम में मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि मैं उन चीजों को ले सकूं, समझ रहे हो वो चीज, कि मेरी, मैं मेंटली बहुत ब्रेकडाउन मेरा हो रखा है ऑलरेडी। तो उस टाइम मैंने बोला था, मेरे फादर को बोला था कि देखो आप मम्मी, मम्मी और भाइयों के साथ रह लेंगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं विहान के साथ अकेले रह सकती हूँ, तो मैं कम से कम मेरा ये मेंटल पीस खराब नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि चीजें नहीं हुई ठीक, मेरी मम्मी भी नहीं मानी, बोलते मैं नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, उन्होंने साफ मना कर दिया, कोई बाइक जा रही है, कि वो मना कर गए, बोलते कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, मेरे को विहान के साथ रहना है। तो उस टाइम मेरे लिए सिचुएशन इतनी वोस्ट हो गई थी ना, मैं वो टाइम याद करती हूँ ना तो मैं अंदर से ऐसे कांप जाती हूँ। वो टाइम बहुत खराब था मेरी जिंदगी का, मैं ना डर डर के रहने लगी थी, मैं सच में, मैं एंग्जाइटी की शिकायत हो गई थी उस टाइम। मतलब एक बहुत, एक होता है एंग्जाइटी, एक होता है बहुत हैवी एंग्जाइटी, जो कि मेरे को, जिसका कारण मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट वो मेरी मदर की तरफ से हो रहा था, क्योंकि वो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी बातें मेरे को बोल देते थे जिसकी वजह, जो नहीं उनको कहनी चाहिए थी ऐसे टाइम में, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता था कि मैं मेंटली बहुत प्रेशर लेती थी। और उस चीज की वजह से ना मैं बहुत ही ज्यादा गंदे वाले डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, मेरी हालत उस टाइम इतनी खराब थी जब मैं इस घर में रहती थी, मेरी हालत इस हद तक मैं खराब हो चुकी थी कि मैं सुबह उठ के ना मैं डरने लग गई थी, मैं इतनी डरती थी, मेरे हाथ पर ऐसे ऐसे अपने आप ऐसे हो जाते थे, मतलब अपने आप मुड़ने लग गए थे ऐसे करके अजीब तरीके से, मतलब मैं अंदर से पूरी खत्म हो चुकी थी, मैं एकदम खाली हो गई थी बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता था मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम। तो मेरे को समझ में आ चुका था कि इस कंडीशन से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कि मुझे अपनी सराउंडिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सराउंडिंग मेरे लिए बहुत ही गलत है। और यहाँ पे मैं मेरी मदर को गलत नहीं कह रही हूँ, वो भी हालातों की वजह से है, उनको, उनकी जो भी चीजें वो मेरे साथ कर रहे थे, तो वो शायद, उनको भी नहीं पता कि वो जो कर रहे थे उससे मेरे को कितना नुकसान हो रहा था, शायद उनको खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता चलता, वो खुद ही, मेरी मदर मेरे को कह देते हैं कि मेरे को गुस्से में पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता। तो अब इसमें मैं अपनी मदर को भी क्या गलत बोलूं, कि उनकी भी क्या गलती है, अब उनका जो भी रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन वो चीज मेरे लिए ठीक नहीं थी। मेरे को, मैं कहती हूँ, मेरे मायके वालों को ना उस टाइम सोचना चाहिए था ये चीज थोड़ी सी, कि मतलब चलो मैं ये भी मानती हूँ, देखो कभी भी उन्होंने मना नहीं किया कि हम मम्मी को नहीं रखेंगे, लेकिन मम्मी ने ही नहीं मानी, मम्मी मना कर गई कि मेरे को नहीं जाना। अदरवाइज तो देखो यार, आप सोचो ना कि मम्मी वहां तीन BHK था, वो तीन तीन कमरे छोड़ के उस घर में कोई नहीं रहता था उस टाइम, ठीक है, उस घर में सिर्फ मेरा भाई रह रहा था, ठीक है, और पापा रह रहे थे, और वो घर कितना बड़ा था, ठीक है, वो घर छोड़ के ये छोटा सा घर कुछ भी नहीं बल्कि, है ना। तो चाहे कुछ भी लगा लो, मम्मी बोलते थे कि मेरा विहान के साथ लगाव है, मैं इसलिए यहाँ रहना चाहती हूँ, होगा लगाव होगा मम्मा का, लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि मेरा कंडीशन इतनी खराब हो गई थी ना उस टाइम, वो जो टेंशन और एंग्जाइटी मैंने ली ना, वो आज तक मेरे ऊपर असर करती है, समझते हो वो चीज, कहीं ना कभी कभी मैं उस जोन में दोबारा चली जाती हूँ, मुझे आज तक वो घबराहट, वो एंग्जाइटी आज तक मेरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई, जो मैंने उस दौर में हस्बैंड की डेथ के बाद हर रोज होती थी वो चीजें मेरे साथ, हर रोज बहुत सी चीजें होती थी, ऐसी चीजें, वो चीजें मैं आज तक नहीं निकल पाई उस चीज से बाहर, क्योंकि वो एक तरीके का होता है ना कि आप अपने आप पर बहुत, मैं काम करके हिम्मत करके खड़ी होती थी और मेरी हालत ऐसी हो जाती थी। तो शोर हो रहा है, एक मिनट रुक दीजिए। तो हुआ क्या, आगे की बात सुनिएगा। फिर ये चीजें तो मेरे साथ चलो हो रही थी, उसके बाद फिर मैंने फैसला लिया, मैंने कहा ये चीजें ना मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं है, अगर मेरे को थोड़ा सा ठीक से जिंदगी जीनी है तो मुझे ऐसे माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि किराए पे कमरा देखना शुरू किया, मैं बात बता रही हूँ, मैंने किराए पे देखना शुरू किया, मैं यहाँ नहीं, दूसरी मार्केट में देखने लग गई थी, वहां पे बाजार में, मैंने याद होगा मैंने पैकिंग भी कर ली थी यहाँ की, कि मैंने मतलब कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो फिर वही चीजें होती थी कि मम्मी उदास हो जाती थी, टेंशन लेती थी कि ये छोड़ के चली जाएगी, ऐसा है वैसा है, विहान के बिना मैं कैसे रहूंगी, वही चीजें हो रही थी सेम टू सेम। तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था उस टाइम। तो फिर मेरे को लगा कि मैं ये कर सकती हूँ कि ना इस फ्लैट के नजदीकी एक और फ्लैट खरीद लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे, मैंने प्लॉट के लिए जोड़ रही थी मैं, सच में उस टाइम मेरे पास 7 लाख रुपए थे अकाउंट में, आज तक मेरे को लगता है वो 7 लाख रुपए, मैंने सोचा था थोड़े से कुछ लाख और जमा करूंगी पैसे, और फिर मैं एक अच्छा सा प्लॉट ले लूंगी, प्लॉट लेके मैं अपना, ये फ्लैट तो मेरा है ही यहाँ रहने का, 2 मंजिला अच्छा सा एक घर बना लूंगी,
ये चीज मैंने सोची हुई थी, लेकिन मेरा मेरे साथ जो चीजें उस टाइम चीजें चल रही थी ना, मेरी लाइफ पर्सनल लाइफ में ना इतनी मैं डिस्टर्ब हो रखी थी ना, तो मुझे ऐसा था कि मेरी चीजें तभी ठीक हो सकेंगी। देखो नजदीक में होगा घर तो मम्मी भी विहान से दूर नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम यही थी कि मम्मी का विहान के साथ जो अटैचमेंट था, तो अगर मैं नजदीक में घर ले लूंगी तो मम्मी और विहान भी आपस में मिल पाएंगे, और मैं भी क्या करूंगी, थोड़ा नजदीक में होगा तो दूरी बन जाएगी तो मैं भी थोड़ी ठीक रहूंगी, ठीक है, मेरा भी चीजें मेंटल पीस मेरा वापस मुझे मिल जाएगा। तो मैंने फिर साथ वाला फ्लैट लिया, बल्कि उस टाइम मुझे महंगा मिला, उस टाइम तो ये सस्ते मिल रहे थे, बाद में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का तो बिल्कुल ही कम बचे हुए थे। बल्कि मैं सोचती हूँ मैंने वहां भी गलती करी, उससे बढ़िया मैं ऊपर का फ्लोर ले लेती, सस्ता मिल रहा था ऊपर वाले फ्लोर उस टाइम बिक रहे थे ना, ऊपर का ही एक ले लेती मैं। पर चलो कोई नहीं, कहते ना जो किस्मत में होता है, जो होना होता है वही होता है। तो मैंने एक और फ्लैट लिया था सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, बल्कि और कोई भी कारण नहीं था। अगर मेरा ये सिचुएशन मेरे साथ ना हो रही होती ना, मैं जिंदगी में कभी ना लेती फ्लैट। मैंने पहला फ्लैट भी इसीलिए लिया था कि मैं थोड़ा सा मेंटल पीस बनाने के लिए। उसके बाद मैंने साथ वाला फ्लैट लिया, मेरा एक साल बहुत सही गया, बहुत अच्छा गया मेरा। हाँ, लोन का टेंशन था, 6 लाख का लोन लिया था मैंने उस टाइम, बट मैं लोन चुकाए जा रही थी अपना यूट्यूब पे। मेरा पिछले साल देखना 2023 में मैंने इतना काम किया है ना, इतना काम किया मैंने, 5 लाख लोन मैंने सिर्फ 2023 में निकाल दिया था, और मेरा अब जो बचा हुआ 1 लाख का लोन है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने निकल गया, अभी तक एक किश्त नहीं भर पाई मैं। इस साल इतना काम नहीं किया जितना पिछले साल किया था। तो हुआ क्या कि काम करती गई वहां पे ठीक था। उसके बाद मेरी मम्मी आ गए थे आई थिंक सितंबर में मेरा उस घर में आ गए रहने के लिए। तो मम्मी ने उस टाइम बोला था कि सितंबर में की गर्मी होती है निधि, वहां पे तेरे घर में एसी लगता है तो एसी चलता है, तो मैं यहाँ पे एसी में सो जाया करूंगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी आप आ जाओ यहाँ पे। तो उस टाइम एकदम से मम्मी मेरे पास आए तो वहां उस घर में रहने के लिए इसीलिए था कि मम्मी बोलती कुछ दिन एसी मतलब वहां चलता है रात को, सितंबर में रह लेंगे। पर वहां उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी बहुत ज्यादा, आपको पता है उनकी हेल्थ खराब ज्यादा हो गई थी। तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मतलब नवंबर तक ज्यादा खराब थी, फिर दिसंबर में रिकवर होने लग गए थे मम्मा। तो हुआ क्या कि जब साथ में रह रहे थे वही चीजें फिर होने लग गई, फिर से वही चीजें। और मुझे पता है मेरा अभी तक का ना दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च का भी कुछ पार्ट लगा लो, वो इतना गंदा गया ना, इतना गंदा गया। मैं आज तक सोचती हूँ ना, मैं कुछ भी मैं काम तो कर भी नहीं पाई ना, यूट्यूब पे मेरा फोकस रहा, कुछ भी नहीं मेरा, इतना खराब रहा। मतलब वो चीजें ना बताए क्या, जो इस घर में होती थी ना उसका 100 गुना फालतू लगा लो वो चीजें उस हद तक। क्योंकि देखो पहले मेरी मम्मी का जो भी था वो गुस्सा चलो उनका निकलता था, लेकिन उस टाइम क्या था कि उनकी हेल्थ भी खराब, तो हेल्थ जब इंसान का स्वास्थ्य सही ना हो ना तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो उनका जो चिड़चिड़ापन था हेल्थ की वजह से भी था, और वैसे भी जैसे उनको एकदम से प्रॉब्लम होती थी, गुस्सा आता था। तो वो देखो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा वो चीज, देखो जो इंसान रहता है साथ में उसे पता होता है, कोई भी नहीं समझ सकता ये चीज, रिश्तेदार भी नहीं समझ सकते। क्योंकि देखो जब आप किसी से 4 मिनट मिलते हो, 10 मिनट मिलते हो, 2 दिन मिलते हो तो अलग चीज होती है, लेकिन जो साथ में रहता है ना उसको पता होता है कि उसने क्या फेस किया है, उसके साथ चीजें क्या हो रही थी, ठीक है। तो मतलब वो चीज मैं जानती हूँ कि वो किस लेवल की चीजें थी जो हो रही थी, मतलब इस लेवल की चीजें कि मेरे को पता है कि मैं ना बाइक उठा के चली जाती थी गुस्से में, ठीक है। मेरा बेटा ट्यूशन पे होता था और 1.5 घंटा मैं कुछ नहीं करती थी, मैं बाइक ना फुल स्पीड में निकाल लेती थी और सिर्फ अपने हिसार में ऐसी गलियों में घूमती रहती इधर उधर इधर, और मुझे कोई काम नहीं होता था, सिर्फ क्यों, क्योंकि मैं टेंशन इस लेवल की हो जाती थी मुझे, बस मुझे कि भागना है कहीं, भागना है, मुझे ही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। कई बार मन होता था कि बस की कोई टिकट लेके कहीं भी भाग जाऊं, बस मैं बच्चे को लेके कई बार ऐसे मन में आई, कभी पैकिंग भी कर लेती थी कि मैं कहीं भी भाग जाऊंगी, बस मुझे यहां नहीं रहना, मुझे ये जगह ही नहीं चाहिए। मैं इस हद तक परेशान हो गई थी क्योंकि चीजें ज्यादा खराब हो गई थी। मैं आप देखना मेरी दिसंबर जनवरी फरवरी के इन दिनों की वीडियोस देखना, मैंने कुछ तो हटा भी दी चैनल से क्योंकि मैं वही रोए जा रही थी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इतना रो रही थी ना, इतना रो रही थी, मैं सिर्फ रोई रोई जा रही थी वीडियोज में नहीं रो रही थी मैं ना, ऐसी चीजें थी, मैं 3-3, 4-4 दिन बिस्तर से उठने की हालत नहीं, मैं बहुत मेंटली ब्रेक डाउन हो गया था मेरा उन दिनों, और उन दिनों मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा था। पिछले लगा लो 6 महीने में बढ़ा है मेरा, मोस्टली जो मेरा वेट है 8 किलो वजन मेरा पिछले 6 महीने में बढ़ा है, और 2-3 किलो बढ़ा था उससे पहले मेरा पिछले, क्योंकि मैं बहुत हैवी डिप्रेशन और टेंशन में थी, मेरा वजन भी काफी बढ़ गया। मैं क्योंकि जब टेंशन में इंसान को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, खाता रहता है। तो हुआ क्या
कि वो जो टेंशन थी ना वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। मैं अभी भी आज पता नहीं क्यों मैं अजीब से तरीके से डर रही हूँ, आज भी डर लग रहा है मुझे अजीब सा कि मतलब क्या हो रहा था मेरे साथ। मतलब मुझे पता है कि ना, देखो मैं मेरी माँ को यहाँ पे बार बार कह रही हूँ, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उनको प्रॉब्लम थी। तो मैंने वीडियो बना के भी कई बार बोला, मैंने कहा कि एक बार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है इनको। और वो चीज मेरे साथ ही नहीं है सिर्फ, ये मत कहना कि मेरी मम्मी का मेरे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो ऐसा नहीं है, वो मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन चीजें तो खराब हो रही थी ना मेरे साथ वो चीजें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी जब लास्ट टाइम था ना, तो दो तीन बार ना फिर मैंने फैमिली का इंटरफेरेंस लिया था। मैंने मेरे भाइयों को बताया था, मेरे भाई को भी बताया, मैंने बोला कि ना तू समझा मम्मी को, उसने दो तीन बार समझा के गया, वो खुद यहाँ आया, ठीक है, आके समझा के गया कि मम्मी ये लास्ट टाइम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्यार से रहो, ऐसा है वीडियोस में चीजें आती हैं फिर बाहर निकल आती हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत समझा के गया, मम्मा भी बोल देते ठीक है, लेकिन उसके दो दिन बाद ही फिर से वही चीजें हो रही थी। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि देखो समझाना समझोना कुछ नहीं है, वो चीजें ठीक हो ही नहीं सकती हैं। मैंने मतलब समझ में वो चीज मुझे आई कि देखो वो मेरे साथ पर्सनल नहीं है उनका, कि मेरी मम्मी को मेरे से कोई दुश्मनी हो, बल्कि वो देखो माँ है, बच्चे से प्यार तो करेगा ही, ठीक है, बट वो चीजें क्यों हो रही थी नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो अब कई लोग सोचते हैं ना कि निधि ने यहाँ पे अचानक से आके क्यों रहने लग गई, तो वो चीज क्या हुआ कि ना मैं काफी ज्यादा, आप देखोगे मेरी वीडियोज में कभी पार्क में जाके रो रही हूँ, कभी कुछ, बहुत बुरा टाइम निकल रहा था मेरा लाइफ का। तो फिर मैंने लास्ट में क्या किया, यहाँ पे इस घर में वाईफाई लगवा लिया और इस घर की साफ सफाई करी और फिर इस घर में ही शिफ्ट हो गई मैं। मैं कहा नहीं, साथ में नहीं रह पाएंगे, साथ में रहने का मतलब वही है ना कि मेरी लाइफ में बहुत चीजें वो हो रही थी, बहुत ज्यादा मेंटली मैं काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी उन चीजों की वजह से। और जो आखिरी टाइम में जो हुआ ना, कहते नहीं कि जब लास्ट स्ट्राइक पड़ता है तो आपको समझ में आता है, वो लास्ट स्ट्राइक जो मुझे पड़ा ना, वो लास्ट जो था वो यूट्यूब पे नहीं आया, वीडियोज में नहीं आया कुछ भी, बट वो जो लास्ट टाइम जो हुआ, तो मैंने फैसला ले लिया कि दिस इज हाई टाइम दीदी तुझे अपने बच्चे के लिए, क्योंकि देखो इस चीज में मेरा बच्चा सफर कर रहा था, क्योंकि मैं देखो मैं मेरे बच्चे के लिए माँ भी मैं, फादर भी मैं, ठीक है, मुझे काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, बच्चे का खर्चा सब कुछ करना है, और अगर मेरा ही मेंटल पीस पूरा खत्म हो गया, मैं बिल्कुल ही अंदर से टूट गई, तो फिर मैं बच्चे का क्या कर लूंगी। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, कंडीशंस खराब ज्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने क्या किया, डिसीजन लिया कि नहीं मैं सेपरेट हो जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे साथ वाले घर में आ गई। और अब देख लो कोई ऐसा बात नहीं है, मैं कितनी खुश रहती हूँ। आप मेरी पिछले एक महीने की वीडियोस उठा के देख लेना और उससे पहले की उठा के देख लेना, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा मेरे अंदर ही, क्योंकि मैं यहाँ पे, मेरे को ना पता है अभी मैं सफाई करने जा रही हूँ कुछ दिनों से उस घर की, साथ वाले घर की, कि मैं थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दिया करूंगी, तो सिर्फ साफ सफाई करने जा रही हूँ और मुझे अजीब सा एक एंग्जाइटी होने लगी सिर्फ दो तीन दिनों में, सिर्फ तीन दिन गई हूँ मैं वहां उस घर में, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो पिछला याद आने लग जाता है, जो पिछला चीजें थी ना वो एकदम से रिमाइंड ऐसे होके दिमाग में घूमने लग जाती हैं, वो चीजें ना निकलती नहीं है। आपका जो बुरा टाइम होता है ना, जिंदगी का सबसे बुरा वक्त, उस बुरे वक्त में चाहे वो कोई भी इंसान रहो, कोई भी इंसान, मतलब वो इंसान जहां, जिसने कहते नहीं है कि आप शब्द भूल जाते हो, बातें भूल जाते हो, लेकिन किसी ने आपको कैसा फील करवाया हो ना, आप वो कभी भी नहीं भूल सकते हो। तो यहाँ पे आपके लगा हो ना कुछ, तो वो चीजें एकदम से होता है, बहुत चीजें होती हैं, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा अभी भी सोचती हूँ, देखो मेरा आज हो गया ना, मैं उसी, मतलब वो चीजें घबराहट होती है मेरे को बहुत ज्यादा, समझते हो वो चीज, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं साथ वाले घर में भी कमी जाती हूँ, इसीलिए चाहे कुछ हो ना हो लेकिन एक अजीब सी घबराहट होती है मुझे, तो इसीलिए मैं सोचा है कि मैं ना रोज रोज नहीं, मतलब थोड़ा सा ना, जैसे कभी तीन चार दिन में चली गई साफ सफाई करने, बस सफाई करने ही जाना होता है मुझे उस घर में और कुछ नहीं। तो ये कारण था कि मैंने ना प्लॉट नहीं ले पाई मैंने, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने साथ वाले घर में लगा दिए, और अब ठीक है। देखो कहते हैं ना कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पे दूरियां ठीक रहती हैं, अब देखो मेरी, मैं भी खुश हूँ, मेरी मम्मी भी खुश है, और एक चीज जो मुझे समझ में आई ना कि मेरी मम्मी भी अकेले ही रहना चाहते थे कहीं ना कहीं, वो नहीं रहना चाहते थे मेरे साथ, क्योंकि वो देखो उन्होंने भी मुझे रोका नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि निधि तू यहाँ मत आ, यही रह ले मेरे पास, उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा अच्छा किया तूने वहां चली गई साथ में, अब तू भी खुश रहेगी मैं भी खुश रहूंगी। तो कई बार क्या होता है, देखो वो उस उम्र के पड़ाव में है जहां आप इंसान अकेला ही रहना चाहता है,
वो आई थिंक मेरी मम्मी अभी 61-62 साल के हैं, 62 साल के होंगे, 62 के, तो वो अकेले ही रहना चाहते हैं। बल्कि अभी भी मैं जाती हूँ ना तो उनका मैंने देखा है कि वो थोड़े से ना वो हो जाते हैं, जैसे मैं सफाई करने के लिए जाऊंगी उस घर में तो वो उस चीज को भी थोड़ा सा ना इतना लाइक नहीं करते हैं, उनको कहते हैं कि मैं खुद कर लूंगी, तू अपना घर देख ले, ये वाला मतलब होता है ना थोड़ा कि अब समझ जाओ वो चीज कि वो ठीक है, वो खुश है। अब मेरे को भी पता है कि मेरा मेंटल पीस कहाँ है, क्या है, और मैं सच बता रही हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ अब इस चीज से, और मैं अकेली रह के खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। अब मैं रह रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ सच में अपनी जिंदगी में, और मेरा मेंटल पीस फिर से मुझे ठीक, मैं रिकवर कर रही हूँ, चीजें ठीक हो रही है। बस वो डर है, वो फियर है जो मेरे साथ, मैं आज जब फील कर रही थी ना, वो एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा था ना, मेरी माँ ने मुझे कुछ बोला या कोई बात हुई, कुछ नहीं, वो एकदम से एंग्जाइटी और वो फियर है जो एकदम से वो हो जाता है घबराहट की, कहीं मतलब होता नहीं, एक इंसान के ब्रेन में जो सिग्नल होता है ना, वो इंसान ब्रेन देता है डर वाला, वो सिग्नल, क्योंकि मैंने बहुत कुछ एंग्जाइटी और बहुत चीजें फेस करी उस टाइम, पिछले 2-3 सालों में उन चीज मतलब कुछ चीजों की वजह से, तो वो चीजें एकदम से वो फियर की तरह दिमाग सिग्नल देने लग जाता है, मतलब वो उसी माहौल में जब जाता है ना इंसान की ऐसा वो चीजें, और वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इंसान जाता है फिर। तो ये रीजन था, तो मैं भी सोचती थी, लेकिन कहते ना किस्मत में शायद अभी नहीं है, कभी जब होगा तो हो जाएगा। प्लॉट लेके घर बनाने का सपना एक दिन जरूर पूरा करूंगी मैं, जब होगा, लेकिन वो होगा तभी होगा। अब मैं बताऊं एक चीज और, मम्मी को ना मैं 10 दिन से बोल रही हूँ, 10-12 दिन से, मम्मी अपना यूरिन दे दो मुझे, यूरिन टेस्ट करवाऊंगी आपका इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इनका इन्फेक्शन हो जाता है शुगर की वजह से, तो वो नहीं दे रहे हैं। 10 दिन हो गए लगातार बोल बोल के थक गई हूँ। मैंने मम्मी को ये भी बोला कि आज तो कि अगर आप नहीं दोगे इन्फेक्शन, तो शुरुआत में इन्फेक्शन दवाइयों से ठीक हो जाता है, बाद में एडमिट करते हैं डॉक्टर, नहीं दे रहे, नहीं मान रहे। तो यहाँ पे ना इंसान क्या होता है ना, कहते नहीं बुजुर्ग इंसान ना जिद्दी हो जाता है, अपनी जिद जिद पे आ जाता है कि नहीं मुझे तो करवाना ही नहीं है टेस्ट। बहुत बोला, बहुत 10-12 दिन हो गए, क्योंकि मैंने कहा बीमार हो जाओगे, नहीं मानते हैं। बाकी हाँ ये चीज है कि कुछ चीजें हैं जो हमेशा दिल में रहेंगी मेरे, मैं कितना भी कह लूँ, कुछ भी कह लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं है, देखो वो क्लियर कभी नहीं हो सकती है। अब जो मैंने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में चीजें देखी ना, उससे मैंने एक चीज जो समझ में आई मुझे लाइफ में, कि देखो आपका जो दर्द है ना, कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता है, चाहे वो कोई भी हो, जिसने जो दर्द को फेस करता है ना, सिर्फ वो ही समझता है दर्द। अगर मैंने मेरे हस्बैंड को खोया है ना, तो वो दर्द सिर्फ वो ही इंसान समझ सकता है जिसने अपने हस्बैंड को खोया होगा, जिसने अपने लव्ड वंस को खोया होगा, सिर्फ वो ही, जिसका जो दुख होता है ना, वो ही दुख समझ सकता है, जिसने समझा हो, उस चीज को देखा हो, उस चीज से निकला हो, और कोई नहीं समझ सकता। ये आप ये सोचोगे ना कि हाँ आप अगर एक लड़की है, उसने अगर अपना पति खोया है, तो उसके दुख को उसकी माँ समझेगी, ये समझेगा, वो समझेगा, या फैमिली समझेगी, फादर ये वो, मतलब कोई भी XYZ, मतलब परिवार में ससुराल वाले समझेंगे, कोई नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि जिसने देखा है, जिसने महसूस किया है, सिर्फ उस वो ही समझ सकता है। कहते नहीं जिस तन लागे सो तन जाने, कुछ एक कहावत होती है ना, बिल्कुल सच है, जिसके ऊपर पड़ती है सिर्फ वो ही समझ सकता है, जान सकता है, और दूसरा इंसान कभी भी नहीं समझ सकता कि उसने क्या फेस किया है। इसीलिए हाँ बेटा, आप लोग दुनिया से उम्मीद लगाना तो छोड़ ही दो कि वो आपका दुख समझेगा या ये समझेगी। पानी पीना है मेरे बच्चे को, कोई किसी का नहीं समझ सकता, जिसको दर्द मिलता है वो, हाँ बेटा इसमें है पानी, पी लो फिर, जिसको दर्द मिलता है उसका, उस दर्द को सिर्फ वो ही समझ सकता है जो दर्द में होता है। नो वन अंडरस्टैंड। हाँ मेरा बच्चा, पानी पी रहे हो? प्यास लग गई? भर लिया गिलास? नहीं भरा, बंद बंद। भर गया? भर गया, ले पी ले, ये पी लो, ठीक है, पी लो मेरा बच्चा। बैठ जाओ, मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी, बहुत ही जल्दी। आज मैं उठी सुबह 5:30 बजे, नींद पूरी हुई नहीं आज मेरी बिल्कुल भी। होता है, ये लाइफ है,
मतलब वही बात मैं कह रही हूँ कि देखो जैसे अब मेरी मम्मी है, वो उनको शुगर हुई, शुगर की बीमारी हुई, तो शुगर के अंदर उनका शरीर क्या महसूस कर रहा है, उनका अंदर बॉडी में क्या दिक्कत है, वो भी सिर्फ वही समझ सकते हैं, क्योंकि बीमारी भी एक ऐसा दुख ही होता है जिंदगी का। तो वो जो दुख वो सहन कर रहे हैं वो मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मैंने नहीं फेस किया कि शुगर की बीमारी में कैसा अंदर से फील होता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना बस। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब मेरी मम्मी खुश है अपनी जिंदगी में, वो मेरी मदर है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार तो करते हैं कि मैं उनके बच्चा हूँ, अपने बच्चे की फिक्र भी होती है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हालात भी कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हैं जिंदगी के, कंडीशंस भी ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान ऐसा कर देता है। कई बार अपनी अपनी जिंदगी में भी ऐसा हो जाता है, हम नहीं कर देते कई बार, मान लो हम वैसे ही परेशान हो तो कई बार हम अपना गुस्सा भी अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, होता है ना, हमारे साथ भी हो जाता है। तो वही चीज होता है कि शायद वो भी परेशान हो, मेरी मदर भी परेशान हो, और वो अपना गुस्सा शायद मुझ पे निकाल देते थे, है ना, क्योंकि हक उसी पे जमाते हैं ना जहाँ हक चल सकता है। तो बुरा नहीं मानती मैं आज के टाइम में, कोई वो बुरा नहीं मानती हूँ। देखो हमें दिल में कड़वाहट तो नहीं रखनी चाहिए ना कि ये हुआ था वो हुआ था। बस हम मैंने भी यही सोचा, इसीलिए कि मैंने कहा मेरी माँ भी खुश रहेंगी, मैं भी खुश रहूंगी, हम दोनों तो दूरी बना के ही रह लेंगे। और अब ठीक है, अब हमारे आप देखोगे ना 1 महीने से कोई मनमुटाव नहीं, कुछ नहीं, वरना कितना कुछ ऐसे ही चलता रहता था। मैं ही अंदर से दुखी रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि अच्छा है तू भी अब खुश है, तो ठीक है, वो भी खुश है अपने में, वो रहते हैं अपना अपना अपने हिसाब से खाते हैं बनाते हैं। वो मैं भी टोका टोकी करती थी, मैं ले लूं चॉकलेट, ले लो बेटा, वो मैं भी बहुत टोका टोकी करती थी मम्मा के साथ कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, वैसे करना है, ये रसोई को ऐसे रखना है, ऐसे है वैसे है। अब वो भी परेशान हो जाते हैं, देखो अब वो भी मतलब होता है ना थोड़ा सा इस एज में। तो ठीक है चलो, वो भी खुश है, अब अपने हिसाब से रह रहे हैं, मैं अपने हिसाब से रह रही हूँ यहाँ। ये देखो जी, ये वाली चॉकलेट होती है जो ये खाता है, ले जो मैं ये खाता हूँ, इसमें और भी है। हाँ वेफर वाली मैं यही देती हूँ विहान को, क्योंकि क्या है ना कि दूसरी वाली तो ज्यादा नुकसान करती है, इसमें वो नहीं होती, चॉकलेट वेफर सा ही होता है, तो हल्की फुल्की सी होती है। बस अभी भी मैं मूड आज मेरा इसीलिए फिर से वैसे ही खराब हो गया कि मम्मी मेरी बात नहीं मानते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज भी बोला टेस्ट करवा लो, नहीं करवा रहे, नहीं करवा रहे। मुझे पता है भाई, मेरे फिर टेंशन होती है उस चीज की भी कि टेस्ट बात नहीं मान रहे हैं, टेस्ट करवा नहीं रहे, अपना बुरा खुद कर रहे हैं, क्योंकि कल को फिर बीमारी बढ़ जाती है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से भी ज्यादा, 2 महीने ही हो गए होंगे। टेस्ट कब करवाया था? जब करवाया था तो एडमिट कर लिया था डॉक्टरों ने, ये इसीलिए नहीं करवा रहे हैं, इनको पता है कि एडमिट कर लेंगे, रिपोर्ट अच्छी नहीं आई तो। और इनके मन में शायद है, चलो जाने दो, कोई नहीं। बस वो जो टाइम है ना, मैं उस जोन से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है कि मतलब मैं ना हर्ट होने से डरती हूँ। सबसे बड़ी चीज मेरे को ये लगता है कि मेरे को ना कोई कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से मेरी मेरी मैं मेरा मेंटली पीस खराब हो जाए, मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत मजबूत ऐसे नहीं बनता इंसान, बहुत हिम्मत करके इतनी स्ट्रोंग बनी हूँ, और बिल्कुल भी नहीं लग चाहती कि हाँ फिर से टूटना नहीं चाहती हूँ मैं, बस स्ट्रोंग बन के अपना चलना चलना चाहती हूँ। और बहुत ही ऐसा टाइम देखा है अपनी जिंदगी का, तो बस अब आज के टाइम में किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ, ये बात सच है मेरी। आज के टाइम में किसी से भी, मैं ऐसी बन गई हूँ, किसी से भी इतनी से भी उम्मीद नहीं रखती हूँ मैं, कि मतलब कहीं से इमोशनल सपोर्ट की भी मैं कोई उम्मीद नहीं करती अपनी ज़िंदगी में कि मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए है, मेंटल सपोर्ट चाहिए है, या किसी भी तरीके का सपोर्ट की आज के टाइम में मुझे कोई चाहत नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, या कोई अंदर से इच्छा भी नहीं है कि मुझे यहाँ से चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए होता, बस मैं अपना काम में लगी रहती हूँ, बस यही होता है। बस अपना काम कर लो, अपना वीडियोस बना लो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपना लाइफ पे फोकस करो। बाकी आपको तो पता ही है लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल ही रहा है, बट फिर भी पुरानी यादें कहीं ना कहीं आपके ऊपर कभी कभी हावी हो ही जाती हैं। बाकी एक बार मन तो करता है कि हाँ कभी अगर सेल भी करना पड़ा ना इन दोनों घरों में से मुझे एक घर, तो मैं ये अभी नहीं करूंगी, मैं प्लॉट ले लूंगी, पहले एक प्लॉट ले लूंगी,
प्लॉट लेने के बाद ना एक घर सेल करके जो पैसा आएगा ना उससे मैं 2 मंजिला घर, मतलब इतना तो मेरे को आ ही जाएगा पैसा। एक घर भी अगर मैं बेच दूंगी ना यहाँ का तो मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं 2 मंजिला घर बना सकती हूँ, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दे सकती हूँ। तो प्लॉट लेने के पैसे मैं खुद जमा कर लूंगी और यहाँ से एक घर बेच के फिर यहाँ पे एक ही घर छोड़ दूंगी कल को फ्यूचर में। पर टेंशन ये भी तो है ना कि पता नहीं कितने के बिकेंगे कितने के नहीं, मतलब जितने के खरीदे हैं मतलब उतने में चले तो जाएंगे ना, वो भी तो डर लगता है ना वैल्यू का भी, कि प्रॉपर्टी है कम से कम अगर फायदा ना करे तो नुकसान में तो ना जाए, उस चीज का भी डर लगता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है ना यहाँ पे दो इसकी फ्लैट की। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि बस जितने में लिया है जितना लगा है मेरा बस उतना भी निकल जाए ना तब भी बहुत है, कि उतने भी निकल जाए तब भी, लेकिन चाहे प्रॉफिट ना भी देके जाए बट लॉस में ना जाऊं मैं, वो तो लगता ही है। देखिए इतना तो हर इंसान सोचता ही है, तो बस इतना ही है। बाकी ठीक है, अब लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने मम्मी पापा की बहुत वैल्यू भी करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हाँ इंसान, तभी तो मैं मतलब हमेशा ये सोचती हूँ कि यार चाहे कुछ भी हो इंसान को ना मतलब सोचना चाहिए कि देखो हम अपनी जिंदगी के बस मतलब हमेशा के लिए तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ इस अर्थ पे कोई भी नहीं है, एक दिन तो सबको भी छूटना ही है। हम सबको लगभग हर किसी को ही अपने माँ बाप को अपने सामने जाते हुए देखना ही है, आज नहीं तो कल। तो वो चीजें भी सोच के चलनी पड़ चाहिए दिमाग में कि जिंदगी में ना मतलब हम हमारी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें हम फेस कर सकते हैं, सब कुछ सोच के चलना चाहिए। तो कम बस ठीक है, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में। और देखो हमें ना हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने हम ये किया उसने ये किया, हमें सबको ना माफ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कोई नहीं कोई बात नहीं, देखो अगर कोई कर भी रहा है तो कहीं ना उसने भी कुछ ना कुछ होता है यार, इंसान का हर इंसान का होता है। हर इंसान कहते नहीं बचपन से हर इंसान इस दुनिया में आया है, उसके बाद अगर कोई भी इंसान कैसा भी बिहेव कर रहा है तो वो पैदाइशी तो नहीं करता ना, ये जो दुनिया है हर इंसान को कुछ ऐसा बना देती है, हर दुनिया हर कोई ना ऐसा शुरू से नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ लाइफ में ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से वो उस तरीके का बन जाता है जो वो नहीं बनना चाहता हो, तब वो भी बन जाता है हर इंसान। तो बस ऐसा ही है, बस हम मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ ये है कि देखो लाइफ में कल को कितना भी बुरा हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ हो मेरे साथ, लेकिन मैं अपनी ना एक इनोसेंस नहीं खत्म करना चाहती, मैं नहीं बनना चाहती वैसी इंसान जो होता नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं बनना चाहती। मैं फिर भी नहीं चाहती कि मैं प्रैक्टिकल इंसान बनूं, मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं थोड़ी इमोशनल रहूं, मेरे दिल में फिर भी प्यार हो सबके लिए। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का। कोई बात मेरी अच्छी ना लगी हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। बस आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी आज मैं। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।